रामपुरा थाने पर शांति समिति की बैठक एसडीओपी संजीव मूले और थाना प्रभारी शिव रघुवंशी के नेतृत्व में रखी गई, जिसमें आगामी त्यौहार को देखते हुए सभी समुदाय के लोगों के साथ बैठकर ईद और राखी जैसे त्योहारों पर भीड़ इकट्ठा ना कर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की बात को अहम मुद्दा बनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की गई कि ईद की नमाज सभी मुस्लिम अपने अपने घरों में पढ़ें और ईद की नमाज ईदगाह में भी केवल 5 व्यक्ति ही रहे। मीटिंग में समाज सेवी आबिद अली सैयद, फिरोज गौरी, राम प्रसाद मौर्य, पूर्व सदर शेख जाहिद और रुपेश सारू मौजूद थे। मीटिंग रखी गई थी शांति समिति किस उद्देश्य से मीटिंग रखी गई? आज आने वाले त्योहारों के संबंध में मीटिंग थी। 1 तारीख को जैसे ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, उस संबंध में मीटिंग रखी गई थी और जो अभी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो नियम बने हैं वो लेकिन सबको सभी कुछ मालूम है, फिर भी एक बार और सबको से चर्चा की गई कि मस्जिदों में ही 4-5 व्यक्ति ही नमाज पढ़ें, बाकी वो घर में ही सब उसका त्यौहार मनाया जाएगा। इस संबंध में चर्चा हुई और उनके तरफ से एक लिखित में मुस्लिम भाइयों की तरफ से ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें इन्होंने आह्वान किया है कि कोई भी ईदगाह पर नहीं जाएगा एवं मुस्लिम 5 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे। फिरोज गौरी की रिपोर्ट।